हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ खान अवैस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्स एंड टेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल ख़त्म हो गया है और साथ में ही इनके पीएसएल और आईपीएल के दरमियान कुछ अदादोशुमार हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो जैसा देखा जाए तो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान जब मैच हुआ तो लाहौर ने दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया, और जबकि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के दरमियान जब फाइनल हुआ तो चेन्नई ने 8वीं बार टाइटल अपने नाम किया। दोनों में कुछ इतफाक़ात पाए गए, जिस तरह सब ने पहले से भी पोषण गुया की थी कि हो सकता है कि गुजरात ये फाइनल जीत जाए, लेकिन चेन्नई जो कि एमएस धोनी की टीम थी वो जीत गए। तो अगर आप समझते हैं कि दोनों मैचेस मिलते जुलते हैं, दोनों फाइनल मिलते जुलते हैं, तो कुछ आदाद और शुमार हम आपके साथ शेयर करेंगे कि दोनों मैचेस को जो आखिरी बॉल थी इनिंग्स की तो उस पर 4 रन दरकार थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बॉलिंग टीम जो कि कजाफी स्टेडियम में जो मैच होने हुआ था उसमें बॉलिंग टीम ने उसको बचा लिया था, उसको डिफेंड कर लिया था और मैच अपने नाम कर लिया था 1 रन से। और दूसरी तरह जानेब चेन्नई बैटिंग टीम थी, उन्होंने लास्ट बॉल पे 4 रन बना के टाइटल अपने नाम कर दिया। और देखा जाए तो दोनों टीमों ने टॉस जीत कर ट्रॉफी अपने नाम की। इसी तरह एमएस धोनी की टीम को चेन्नई सुपर किंग को 14 रन आखिरी ओवर में दरकार थे, और मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान की टीम को 13 रन दरकार थे, जिसका लाहौर कलंदर ने दिफा किया। इसी तरह दोनों मौके पर बैटिंग करने वाली टीम ने 200 या 200 से ज्यादा स्कोर बनाए। इसके अलावा दोनों हारने वाली टीमों के पास एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद था जिसने कम रन देकर अपना स्पेल मुकम्मल नहीं किया। गुजरात टाइटन के पास नूर अहमद, जिसने 17 रन 3 ओवर्स में देकर 2 विकेट अपने नाम की, और मुल्तान की जानिब से खुशदिल शाह ने 2 ओवर में 11 रन देकर सिर्फ 1 विकेट अपने नाम की। दोनों मैचेस में चारों टीमों से एक एक खिलाड़ी ने बगैर किसी स्कोर के मतलब स्कोर ना बनाकर पवेलियन वापस लौट गया। चेन्नई से महेंद्र सिंह धोनी, गुजरात से रशीद खान, लाहौर से एहसन हफीज और मुल्तान से उसामा मीर। और आखिरी मुमासलत ये कि दोनों मैचेस में 2-2 निसब सेंचुरी बनाई गई। तो गाइस, ये थी आज की अपडेट। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।